क्या आप अपनी या अपने साला की कोई सक्सेस स्टोरी बनाना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल से इसे बना सकते हैं। साथ ही एक बेहतरीन प्रोफेशनल लोग भी अपनी स्टोरी को दे सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं गैड आइडिया और आज हम देखेंगे कि अपनी सक्सेस स्टोरी हम कैसे बनाएं, साथ ही इसमें प्रोफेशनल लोग कैसे दें। देखते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। अपनी सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए और इसे प्रोफेशनल लुक देने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में आपको पॉलिस ऐप और जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर डाउनलोड करना होगा। इसे आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से भी इसे बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कैसे हम इसे डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको इस एरो पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉलिस ऐप डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और पीडीएफ कन्वर्टर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। हम दोनों पर क्लिक करके इन्हें डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले पॉलिस ऐप, जैसे ही हम क्लिक करते हैं हम प्ले स्टोर पर सीधे आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा पॉलिस ऐप ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको इंस्टॉल लिखकर आएगा, क्योंकि मैंने पहले से डाउनलोड किया है इसलिए ओपन लिखा आ रहा है। आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में इसे ओपन करेंगे। ओपन करने पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमें दिखाई देगा। अब हम बनाते हैं सक्सेस स्टोरी। सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए कुछ फोटोग्राफ्स हमें लगेंगे, तो हमें सबसे पहले इस फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फोटो वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो गैलरी के सारे फोटो यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। हमें जो भी फोटो लेना है हम उस पर सिलेक्ट कर देंगे। मैं एक मोनो ले लेता हूँ स्कूल का, जो फ्रंट पेज में मैं लगाऊंगा। अब हमें इसका पेज भी सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले इस फिट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेडियो करके एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दें और यहाँ से काफी सारे साइज हैं पेज के, वो साइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं A4 साइज सिलेक्ट कर रहा हूँ सारे इसके लिए। इसके बाद में यहाँ पर राइट पर क्लिक करें। अब फिर से आपको इस फीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में फोटो में दोनों उंगलियों से ऐसे इसको छोटे करके एडजस्ट कर लेना है, जहां भी आपको इसे फिट करना हो, जहां भी लगाना हो। देखिए फोटो हमारी काफी अच्छे से फिट हो चुकी है। अब राइट पर हमें क्लिक करके इसे सेव करना है। अब चूंकि पेज एकदम प्लेन दिख रहा है, इस पर आपको कोई बॉर्डर यदि चाहिए हो तो फिर से आपको फिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहां पर आप देखेंगे एक बॉर्डर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। अब यहां पर काफी सारे कलर हैं, जो भी कलर का बॉर्डर आपको चाहिए वो कलर आप यहां पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद में आप इसे उंगलियों के सहारे से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे अपने पेज पर। देखिए बॉर्डर अपनी फिट हो गई है। अब यदि बॉर्डर की पट्टी यदि आपको अब और बड़ी चाहिए तो आप यहां से थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, आपको जितना साइज लगे उतना कर सकते हैं आप। इसके बाद में आपको फिर से राइट पर क्लिक कर देना है। फ्रंट पेज के लिए मोनो आ गया है। अब आपको लिखना है, यहां पर कुछ ऐड करना है, तो आप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्योंकि सक्सेस स्टोरी बना रहे हैं तो सबसे पहले हम सक्सेस स्टोरी लिख देते हैं और फिर राइट पर क्लिक कर दीजिए। इसे थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना बड़ा करना है, और आड़ा तिरछा भी कर सकते हैं। आप इसके फॉन्ट और कलर भी यहां से चेंज कर सकते हैं। जैसे कलर हम चेंज कर रहे हैं, जो भी काफी सारे कलर हैं यहां पर, जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो आप यहां से चूज कर सकते हैं। साथ ही फॉन्ट यदि चेंज करना हो तो यहां से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। देखिए काफी अच्छा लुक आ रहा है। अब हमें यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में आपको सक्सेस स्टोरी का टाइटल डालना होगा, तो फिर से वैसी प्रोसेस, टेक्स्ट पर आप क्लिक करें और यहाँ पर अपना टाइटल आप फिट कर सकते हैं। अब इसके बाद में अपनी साला का नाम यहाँ पर ऐड कर दें आप। आप देख सकते हैं काफी अच्छा प्रोफेशनल लुक यहाँ पर आ रहा है। अब इसके बाद में आप यहाँ पर अपनी फोटो और अपने प्रचार की फोटो भी ऐड कर सकते हैं। फोटो ऐड करने के लिए नीचे जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा ऐड, इस पर क्लिक करना है और जो फोटो आपको सिलेक्ट करना है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप चाहें तो अपना नाम लिख सकते हैं टैक्स वाले ऑप्शन पर जाकर। टैक्स के आप कलर भी चेंज कर देंगे यहां से।
और इसके बाद में यहां पर सेव वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। इस प्रकार सक्सेस स्टोरी का हमारा पहला पेज बन चुका है। अब इसमें हमें फिर से सेकंड पेज बनाना है, तो इसके लिए फिर से पूरी वैसी प्रोसेस करना है। यहां से बैक हो जाएं आप। अब सेकंड पेज के लिए जो भी फोटो आपको चाहिए वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने गैलरी से। तो मैं जो फोटो सिलेक्ट कर लेता हूं, फिर फिट पर इसे एडजस्ट कर लेते हैं हम। पेज का बॉर्डर आप जो चाहे वो बॉर्डर कलर का ले सकते हैं। अब यहां पर कुछ डिटेल यदि आपको लिखना है तो टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाकर आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद टेक्स्ट के आप कलर भी चेंज कर सकते हैं यहां से। जो भी कलर आपको चाहिए वो यहां से आप सिलेक्ट कर लें। साथ ही फॉन्ट भी आप इसके चेंज कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट आपको रखना हो वो कर सकते हैं। अब इस पेज को इस सेव वाले ऑप्शन से सेव कर देना है। तीसरा पेज बनाने के लिए फिर से वही प्रोसेस, हम फिर से फोटो सेलेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार हम अपनी सक्सेस स्टोरी का जेपीजी फॉर्मेट में फाइल बना लेते हैं। अब हमें इस जेपीजी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, वो भी एक साथ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा जो अभी हमने डाउनलोड किया है, जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर। इसे ओपन करने पर कुछ ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। यहां पर फाइल वाले ऑप्शन पर हमें सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं जो फाइल हमने बनाया है यहां पर शो हो रही है। तो जो फाइल सबसे पहले हमें रखना है उसे सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद में सेकंड फाइल, फिर थर्ड फाइल, फिर इसके बाद में यहां पर डन पर हमें क्लिक कर देना है। अब यहां पर थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा फिट इमेज। यहां पर हमें क्लिक करके इसका साइज, सारे पेजों का साइज एक जैसे करना है, A4। A4 पर कर दिए। यहां पर आप अपनी पीडीएफ फाइल को पासवर्ड से लॉग भी कर सकते हैं। इस ऑप्शन का यूज अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम सीधे कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं हमारी फाइल जो है पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम इसे आसानी से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं काफी प्रोफेशनल लुक हमारी फाइल का, हमारी सक्सेस स्टोरी का यहाँ पर आ चुका है। तो इस प्रकार हम अपनी सक्सेस स्टोरी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल